आपकी टीचर बहुत शरीफ है क्योंकि आज मेरे वैनी भाई सब शराब थी। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो मैं आज जा रही हूँ गौरव कपूर जो कि एक कॉमेडियन है उनसे मिलने, तो मैं उनके शो पे ही जा रही हूँ। ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस होगा कि मैं किसी कॉमेडी शो पे जा रही हूँ और देखते हैं कैसी मीटिंग रहती है और शो तो अच्छा ही होगा आई बिलीव, वो अच्छा ही करते हैं। तो अगेन हमारी प्यारी रेड लाइट जो कि लंबी चलती है, तो इतने में मैप लगाती हूँ और आप से मिलती हूँ। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface. मतलब आज मैं literally 10 मिनट में तैयार हुई होंगी, 2 मिनट में ब्रश किया होगा और 2-3 मिनट में फेस वॉश हो गया होगा और बस that's it. मॉइस्चराइजर लगाओ और भाग जाओ। मतलब मेरा सीन सही है, मतलब कोई भी, ये मेरी दीदी भी बोलती है खैर कि रेयर है भाई आजकल के जमाने में लड़कियां ऐसी मिल जाएंगी, मतलब ऐसे ये वाला सीन हो जाएगी, मतलब मुंह धोया और निकल लिए। हालांकि मैं टाइम पूरा लेती हूँ नहाने वाने में, या मेरे को पूरा टाइम लगता है, मेकअप में करती नहीं हूँ, बट टाइम फिर भी चाहिए होता है। लेकिन ऐसे मामले में मतलब आज जो मैंने किया, मतलब आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने मात्र 10 मिनट लिया। नहीं तो मुझे लग रहा था, मैं उठी 3 बजे थी कि पता नहीं मैं जा पाऊंगी या नहीं, और मैं जल्दी ही निकल गई। मतलब बाकी कुछ चीज़ों को हटा दें क्योंकि कुछ मुझे सामान लेना था, उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, अदरवाइज तैयार होने में मैंने आज 10 मिनट मुश्किल से लगाए होंगे। और बहुत ही इतनी खुशी, इतनी उमंग, इतने उत्साह, इतने गर्व के साथ मैं ये बात आपको बता रही हूँ, जैसे पता नहीं मेरी कौन सी अचीवमेंट हो, बट ठीक है, अच्छा है, वो ये भी ठीक है। ये डायलॉग मैंने अभी एक सीरीज में सुना था। तो फाइनली अभी गौरव से बात हो गई है, वो अभी पहुंच ही रहे हैं वेन्यू। उन्होंने कहा 4:15 तक आ जाओ, 30 तक भी आ जाओ इवन, तो 4:30 तक तो मैं पहुंच जाऊंगी, तो अच्छा ही हुआ एक तरह से, क्योंकि इसके बाद फिर उनके जो शोज हैं वो रात में भी हैं, मेरे लिए भी फिर फिजिबल नहीं होगा, थोड़ी सी फिर क्लासेस वगैरह भी होती हैं शाम में, तो मुझे लग रहा है हो जाएगा काम, मतलब मैं पहुंच जाऊंगी, शो वो देख लूंगी, एक अलग एक्सपीरियंस हो जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं चल के क्या होता है। चलो मैं मैप लगाती हूँ, बाय। एकदम बढ़िया है मतलब ट्रैवल करने के लिए, 5 से 6 बजे, वैसे तो अभी 4 बजे हैं, बट थोड़ा सर्दियों का टाइम है तो आई थिंक दिन थोड़ा जल्दी नीचे जाता है। पहुंच तो मैं जाऊंगी ही, कुछ बातें कर लेते हैं हम लोग। होपफुली आपका नया साल अच्छा जा रहा होगा, एक नई एनर्जी है, एक फ्रेश बिगिनिंग की तरह आप इसको ले सकते हैं, नए इनिशिएटिव्स आप ले रहे होंगे, रिजोल्यूशन आप में से बहुत सारे लोगों ने लिए होंगे, कुछ नया सीखने का सोचा होगा। मैं भी आज कुछ नया ट्राई करने जा रही हूं जो कि है स्टैंड अप कॉमेडी शो अटेंड करना, और थोड़ा सा फिर कुछ गौरव से बातें होंगी तो कुछ सीखने को मिलेगा उनके डोमेन के बारे में। तो हमेशा कुछ नया ट्राई करना अच्छा ही होता है, हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, चाहे वो उसमें फेलियर मिले हमें या फिर हमें सक्सेस मिले, लेकिन सीखने को जरूर हमें चीजें मिलती हैं। अगर हम बात कर ही रहे हैं कुछ नया ट्राई करने की, तो आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आपके लिए एक नई चीज हो सकती है, जिसमें पहले आप खुद को एजुकेट करें और एजुकेट करने के बाद आप इन्वेस्ट करना शुरू करें। कॉइनस्विच कुबेर एक ऐसा ट्रस्टेड ऐप है जिसके थ्रू आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, मात्र 100 रुपीज से बाय एंड सेल कर सकते हैं आप क्रिप्टो करेंसी को। और ये 100 रुपीज भी अगर आप खुद से इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको 100 रुपीज के बिटकॉइन फ्री मिलेंगे। इन 100 रुपीज के बिटकॉइन से आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कैसे वर्क करता है। क्रिप्टो करेंसी अपने आप में एक न्यू डोमेन है, अपनी इनिशियल फेज में है, अभी भी बहुत ग्रोथ की संभावना इसमें है। क्रिप्टो करेंसी एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड डोमेन है जिसमें आपको पहले सीखना होगा, इसको गेट रिच क्विक स्कीम की तरह लेने की जगह आप चीजें सीखेंगे, कैसे आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने अलग अलग तरह के क्रिप्टो करेंसी होती है। कॉइनस्विच कुबेर पर अगर आप जाते हैं तो कुछ 85+ डिफरेंट कॉइन्स आपको मिल जाएंगे या डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी के टाइप मिल जाएंगे। कॉइनस्विच कुबेर एक टॉप क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट ऐप है। इंडिया में कॉइनस्विच कुबेर के 1.5 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, तो ये एक ट्रस्टेड ऐप बन जाता है। डाउनलोड करें कॉइनस्विच कुबेर ऐप को, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें, पहले रिसर्च करें और फिर इन्वेस्ट करें। अभी मैं थोड़े से गाने सुनूंगी मजे से। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the... तो जाएंगे आईटीयू की तरफ, एक तरफ है गीता कॉलोनी कॉलेज था बेसिकली अपना, बहुत 2 साल मजे किए गीता कॉलोनी, सोचो ईस्ट दिल्ली जिंदगी, ईस्ट दिल्ली वाइब्स। तो अभी गानों से मुझे याद आया कि इस बार एक सीनियर पोजीशन पे हैं, मित्र हैं अपने, ये कह लीजिए,
तो वो बता रहे थे वो हरियाणा से हैं और बहुत मतलब एकदम सिंपल से इंसान है और कई बार मतलब बहुत सुलझी हुई बातें करते हैं लेकिन कई बार, तो ऑब्वियसली वो सीनियर पोजीशन पे पूरी कंपनी संभालते हैं तो उन्होंने ऑब्वियसली कुछ तो है ही। तो वो इस बार बता रहे थे, मैं कॉन्टेक्स्ट दे रही हूँ गाने के पीछे का, तो अभी मैं उनकी कार पहले चलाई थी, उन्होंने एक नई कार ली थी, इस बार मैंने ली तो उन्होंने ड्राइव किया मेरी कार को, तो हम लोग गाने बजा रहे थे, मैं साथ में बैठी थी तो गाने तो बजाने ही थे, तो मैंने एक आध हरियाणवी गाना बजा दिया, तो उन्होंने कहा मैडम समझ आती है आपको, मैंने कहा हाँ बढ़िया एकदम सब समझ आता है मेरे को। तो फिर ऐसे ही फिर एक आध पंजाबी बजाया, तो ऐसे ही हमारी बात होने लगी पंजाबी गानों को लेके, तो ही सेड के मैडम पंजाबी अगर समझ आती है ना, मतलब ऐसे प्रॉपर रोक के गाड़ी या हम मोड़ पे थे कहीं, कह रहे मैडम अगर पंजाबी समझ आती है ना तो ये मान लो मैं क्या क्या बोलते हैं वो, मैं आपने बताऊं कि 5% मजे ना जिंदगी के बढ़ गए बिना कुछ किए। मैंने कहा सर ये है रियल फिलोसफी, मतलब लोग किताबी बातें कर सकते हैं बट दिस इज, मतलब मैं इसको वर्ड्स में नहीं पुट कर पाती थी, मैं सच में मानती हूँ पंजाबी म्यूजिक काफी काफी अच्छा होता है और बहुत ही रिफ्रेशिंग और एक अलग मतलब लिरिक्स भी एक अलग जोन में जाते हैं। तो मतलब उन्होंने बहुत प्यारी बात कही, ये बात मतलब मैं कभी भूलूंगी नहीं, मुझे इतनी मतलब एक हंसी भी आई जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैडम ये मान लो 5% मजे जिंदगी के बिना कुछ करे बढ़ गए। तो मैंने सर बिल्कुल सही बात है, ये मुझे किस्सा याद आ गया आपके, ये मैं जब अभी गाने प्ले कर रही थी, मैं पंजाबी गाना ही चला रही थी एक, तो मुझे याद आया कि पवन जी कह रहे थे कि 5% मजे बढ़ गए मैडम अगर पंजाबी समझ आती है। तो खैर ये था एक किस्सा, पता नहीं आपको कैसा लगा होगा बट मुझे याद आया तो मैंने बता दिया, है ना। चलो फिर ओ भाई मारो मुझे मारो, चलो अभी तो आधा रास्ता तो नहीं, 20-21 मिनट शायद ओहो लग जाएंगे। तो फाइनली अभी मैं पहुंच गई हूँ, 4:35 हो गए बट अब मैं भागती हूँ और गाड़ी हो गई पार्क, मैं चाबी लेके जा रही हूँ क्योंकि मैंने सामान छोड़ा हुआ है कुछ कुछ, नंबर दे दिया उनको भैया को, तो कोई बात हुई तो बता देंगे, है ना, ये फालतू डिटेल्स दे रही हूँ वैसे मैं आपको, बट फाइनली मैं पहुंच गई हूँ और अब मैं चलती हूँ, कुछ कुछ थोड़ा बहुत क्लिप्स मैं आपको शो की दिखाऊंगी, अगर वैसे तो 18 प्लस है बट ठीक है, मतलब आप में से कई लोग कह रहे हैं हम बचपन से 18 प्लस हैं, खैर इस बात का पता नहीं क्या ही मतलब है। खैर तो मैं चलती हूँ और कोशिश करेंगे शो के बाद में थोड़ा बात करेंगे गौरव से। ये मेरा छोटू सा फोन जिसको संभाल के रखना जरूरी हो जाता है, मैं कुछ गिफ्ट्स भी लाई हूँ वैसे गौरव के लिए। चौड़े होके बोला, मैंने कहा के हुआ खा लिया ना सबने अब मामार्थ नॉट सब केमिकल फ्री हो गए एंड मेड फ्रॉम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। मैंने ध्यान नहीं दिया यार मैंने यार जाते थे गुच्छे में से केला तोड़ दिया। हाँ इसके बाद टिप्स टिप्स ये मेरे से ब्लॉगिंग की टिप्स मांग रही है और दोस्तों मैं एक बताना चाहता हूँ, शी डजंट नीड एनी टिप्स, शी इज द वन हु गिव्स टिप्स, ओके, एंड आई एम प्रोबेबली वन ऑफ द, मेरा ब्लॉग मैंने बोला है लोगों को कि मेरा ब्लॉग ब्लॉग भी नहीं होता, इट्स जस्ट अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल द वीडियोस इन माय फोन। नहीं बहुत अच्छा था और हाँ ये आपने बताया था कि वो कंपाइलेशन, और अभी मैं भी ट्राई कर रही हूँ थोड़ा सा ब्लॉगिंग अलग अलग दिन पे, कल से मैंने 3 ब्लॉग बना दिया है, ये तीसरा ब्लॉग है 2 महीने बाद बनाया है। तो दोस्तों आपकी टीचर को आज, आपकी टीचर बहुत शरीफ है क्योंकि आज मेरे वैनी भाई सब शराब थी, इन्होंने कुछ नहीं पी, ठीक है मेरे को कॉफी पिलाओ उन्होंने मना कर दिया, फिर मैंने आइस टी पी, मैंने इतने सारे नए नाम याद कर लिए, वो मॉल टॉल कुछ तो था, मतलब क्या नाम होता है सिंगल मॉल, बहुत अच्छा, मैं फिर आइस टी मिल गई मुझे और मैं आपके लिए। पर एक बार भी श्रीमान जी अभी तक इन्होंने नहीं बोला कि शो में मजा आया अच्छा लगा, उनकी क्लासेस में तो सीधे पढ़ाई वढ़ाई की बातें चल रही थी, अच्छी अच्छी बातें एकदम, सब एजुकेटेड और डांट वांट दी थी मैंने देखा 2-3 बार बॉटल है। अरे भाई पेन तो जो हमें राइटिंग करने के लिए चाहिए होता है ना, इतने सारे पेन, वाओ यार थैंक यू सो मच हिमांशी, अच्छा था, मतलब वो कूड़े वाला जो पहाड़ वाला बहुत अच्छा था, मैंने एक ब्लॉग बनाया था उसमें मैंने वो पहाड़ दिखाया था, तो रिलेटेबल था काफी और अच्छा मिला, अच्छा लगा और नेक्स्ट टाइम बहुत बड़ा अच्छा लगता है आप दोनों के ब्लॉग्स देख के, मतलब इतना रियल लगता है एक तो, और दूसरा उनकी पर्सनालिटी से अच्छी वाइब्स आती है, ऑनेस्ट, तो मेरे से नहीं आती क्या यार, सब जनता के मेरे को गाली दे रही है यार, अपने ब्लॉग में बुला के मेरे को गंदा बोल रही है, आपसे तो आती है मतलब आप तो बढ़िया। तो फाइनली शो इज डन और अच्छा था, एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस था, कुछ अलग अलग तरह के जोक्स थे, और अगर मैं बात करूँ तो एक पेन मैंने उनको कुछ गिफ्ट किए, मुझे पेन देके बड़ी खुशी होती है, आप लोग मिले चाहे किसी को भी मैं मिलती हूँ तो मैं पेन जरूर देती हूँ और कभी कभार बॉटल,
तो अभी आज के लिए इतना ही। ये छोटा सा एक ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। ऐसी छोटी छोटी चीजें कभी कभार मेरे दिन में अलग अलग कभी कभी कुछ कुछ एक्टिविटी कुछ तो मैं ब्लॉग के बहाने कुछ कुछ चीजें हो जाया करेंगी, नहीं तो कई बार तो सेम चीजें कर करके इंसान बोर हो जाता है। बट ब्लॉग बनाना हो तो थोड़ा सा एक नयापन फील होता है। तो धन्यवाद आप सभी का, या ये ब्लॉगिंग का थोड़ा सा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हो पाता है अलग अलग टाइम पे। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। विचार अपने कॉमेंट्स में बताइएगा। टेक केयर।